सो हाय गाइस, वेलकम टू प्रोमो क्लासेस। तो ये वीडियो में डिस्कस करेंगे पोस्टमैन एंड मेलगार्ड एग्जाम जो थिला पीएमएमजी मॉक टेस्ट 5 रो तार मैथ सॉल्यूशन एट हैशटैग ऑफ मैथ सॉल्यूशन। ओके सो मैथ सॉल्यूशन रहिबे यार एंड आमे जो माने टेस्ट रे देई ना हंदी तो फर्स्ट अपन www.promoclasses.com को जीवे एंड सेठी आपन को गोटे PMMG रो टेस्ट सीरीज मिलिबो तो ताको आपन अवेल करि परिबे एंड सेथिरे आपन को जो प्रीवियस पेपर भी ऐड कर दिया छि। ओके प्रीवियस पेपर कर दिया छि एंड आपन जो व्हाट्सएप ग्रुप अछि जोटा कि PMMG रो सेथिरे मध्ये हम तार PDF मध्ये प्रोवाइड कर दै छु। तो जो माने दिन आंती दया करि जे कि आपन सेटा दे परिबे एंड प्रीवियस पेपर जो माने खुजु जंती कि प्रीवियस पेपर आपन केते स्कोर केमते रहिबो सेटा आपन प्रीवियस पेपर देले हि जानि परिबे एंड प्रीवियस पेपर जोड़ा कि अपलोड हो जाइए आमर वेबसाइट रे। ओके सो फास्ट क्वेश्चन देखा फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू अमंग दिस देसी नंबर देसी प्रोवाइड जोड़ा कि एंड सेकंड लार्जेस्ट कहि तो एई टाइप रो जितलो क्वेश्चन आपन पाइबे देखिबे तार जो घाता आमे दैट मींस कि आमे जदी रूट 2 लेखंती मींस कि रूट 2 लेखा जाए तको आमे न्यूमेरिकली 2 टू द पावर हाफ हे थाए। ओके तो ए टाइप रे आम लिखिथानी जितेबाला आम क्यू रूट लिखिथानी कह रहा 2 रो लिखिथानी तेल आम 2 टू दि पावर 1/3 लिखिथानी। ओके तो से टाइप रही जो लिखाई 4 टू दि पावर ये हम कहते आपण 1 मिनट। ओके सो 1/4 एंड ये आप 6 टू दि पावर 1/6 एंड ये आप 12 टू दि पावर 1/12। ओके एंड 24 टू दि पावर 1/24। ओके तो ये देखो 4, 6, 12 एंड 24 एलसीएम आम नहीं जावा तो एलसीएम ना 24 ही हे तो ये मुझे सब घात 24 को मल्टीप्लाई करुच्ची। ओके ये भी 24 मल्टीप्लाई करुच्चे एंड ये भी 24 मल्टीप्लाई करुच्ची। ओके सो ये लिखिदे आउ थे जाना न पड़ी जी एंड 4 टू दि पावर 1/4 एंड ये आप 6 टू दि पावर 1/6 एंड ये आप 12 टू दि पावर 1/12 एंड ये 24 टू दि पावर 1/24। सो ये 24 इंटू 24 तो कैनसल आउट 1 घात रहा ये आप जेहतु 12 अच्छे सो ये आप 24 कल के ये आप 2 आसी एंड ये आप 24 जब आम करवा तो ये 4 आसी एंड ये आप 24 करवा तो ये आप 6 घात आस। ओके सो देखो ये आमको मिलला 4 टू दि पावर 6 एंड 6 टू दि पावर 4 एंड आपणकर 12 टू दि पावर 2 एंड 24 टू दि पावर 1। सो 24 टू दि पावर 1 जे 24 ही हेबो एंड 12 रो स्क्वायर 144 ही हेबो एडे 6 रो जोडा की 4 घात दैट मींस कि 6 रो 2 घात कते 36 एवं 6 रो 2 36 तनो 36 स्क्वायर हला 1296 तनो 1296 हेबो एठी भी आपन सेई टाइप रो आपन करि पय जदि आपन 6 घात बाहर करतें जोड़ा कि 4 रो 3 घात एवं इंटू 4 रो 3 घात जोड़ा कि 4 रो 3 घात कते 64 इंटू ये 64 जोड़ा कि आपन पाइबे 4096। ओके सो 4096 देखंतु सबुटु फास्ट किए थाले ई हला एक नंबर बा लार्जेस्ट एंड ई हला सेकंड लार्जेस्ट तो एठी आपन सेकंड लार्जेस्ट नंबर की हेबो ना आपन 6 टू दि पावर जोड़ा कि पावर ऑफ रूट ऑफ 6। ओके सो मूविंग टू सेकंड नंबर देखंतु ए बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क यदि ए गोटे काम करुच्ची 15 दिन रे एंड बी गोटे काम करुच्ची केते 20 दिन रे। ओके एंड दे स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड 6 डे बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क ए लिव। ओके सो ए लिव करुच्ची 6 डे दैट मीन्स कि एलसीएम केते 60 एलसीएम 60 आप एलसीएम जदि नेबे ताले केते ये तार 4 यूनिट काम कला बेले ये 3 यूनिट काम करुच्ची से कहै छी कि जो लास्ट केते दिन थिला माने 6 दिन काम सरिया पूर्वरु ए पळैछि दैट मीन्स कि जदि ए काम करि थांता ताले केते दिन अधिक काम करथांता 6 यूनिट रे करथांता दैट मीन्स 24 र एक्स्ट्रा यूनिट रा काम से करथांता ना तो याको जदि आमे एमति टाइप रे करि देबा दैट मीन्स कि टोटल काम जोडा एक्स्ट्रा 6 दिन रा काम हम भी ऐड कर देली जोडा ए रो जदि से थांता ताले केते टोटल 84 वर्क हेथांता एंड डिविजन जको दुहे मिसि कि जदि 7 यूनिट रा काम करछन्ती ताले केते होची 12 7 84 तेणु 12 दिन में कामटी संपूर्ण हो टाइप भी आप करेंगे अदरवैज आप जोटा कि अन्य मेथड भी करेंगे जमीक आप जो तार ए लिव करुच्छे जेहेतु ताले बी काम कर तो से टाइप आप 6 दिन कम जब बी करुचे आप
ତାକୁ ବି କାଟି କରିପାରିବେ କି ଆପଣ ସିକ୍ସ ଡେଜ୍ ମାନେ ଏ ର ସିକ୍ସ ଡେଜ୍ କାମକୁ କାଟି ଦେଇକି ଆଣ୍ଡ ବି ର ଯେଉଁ ରିମେନିଂ ୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ରିମେନିଂ ୱାର୍କକୁ ନେଇକି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବେ। ବଟ୍ ସେ ବହୁତ ସାରା ମେଥଡ଼ ଅଛି, ବଟ୍ ଏଇ ମେଥଡ଼ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଇଟେବଲ୍ ହେବ। ଅଦର ମେଥଡ଼ ମୁଁ ପରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି, ବିକଜ୍ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଦର ମେଥଡ଼ ଆମେ ପରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା କି ଏ ଇଜ୍ ଟ୍ୱାଇସ୍ ଆଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆଜ୍ ବି ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର୍ ଫୋର୍ ଦେ ୱିଲ୍ ଟୁ ଫିନିଶ୍ ୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ 30 days ଲେସ୍ ଦେନ୍ ବି। ଓକେ, ସୋ ଲେଟ୍ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେ କହିଛି କି ଏ ଇଜ୍ ଟ୍ୱାଇସ୍ ଆଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆଜ୍ ବି, ହେଲା। ତ ଟ୍ୱାଇସ୍ ଆଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆଜ୍ ବି ମାନେ ଏ ଯଦି ୱାନ୍ ବି ଯଦି 1 ୟୁନିଟ୍ କରୁଛି ଆଣ୍ଡ ଇଏ 2 ୟୁନିଟ୍ରେ କାମ କରୁଛି, ତ ରିମେନ୍ ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଯେଉଁ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା କେତେ, 1 ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି। 1 ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ କି ସେ କହୁଛି କି 30 days ଲେସ୍ ହେଉଛି। ଓକେ, ସୋ ଏଠି 30 days ଲେସ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ କି ଆପଣ ଏଠି 1:30 କେତେ 30 ହେବ, ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ଏ ଯଦି 60 days କାମଟା କରୁଛି ତାହେଲେ ଇଏ 30 days କରୁଛି, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ 30 ଆସୁଛି ନା। ତ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷ କହିଛି, ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲା ତାହେଲେ ରେସିଓ ଦେଇଦେବେ, ରେସିଓର ଡିଫରେନ୍ସ ବାହାର କରିବେ, ଡିଫରେନ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ତା'ର ଯେତିକି ଡେଜ୍ ରହିଥିବ ୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁକି, ସେଇ ଡିଫରେନ୍ସରେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ରେସିଓ ଅନୁସାରେ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି ଯଦି ଏ ଗୋଟେ କାମକୁ 60 ଦିନରେ ଆଣ୍ଡ ବି ଗୋଟେ କାମକୁ 30 ଦିନ କରୁଛି, ତା'ର ଏଲସିଏମ୍ ବି ଆପଣ ନେଇଯାଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟା ଏଲସିଏମ୍ ତା'ର କେତେ 60 LCM ହେବ। ଆଣ୍ଡ କାପାସିଟି ତ ଅଲରେଡ଼ି ଗିଭେନ୍ ଅଛି ନା, କି ଇଏ 2 ୟୁନିଟ୍ର କଲାବେଳେ ଇଏ 1 ୟୁନିଟ୍ରେ କରୁଛି, ତେଣୁ ଯଦି କାପାସିଟି ତାଙ୍କର 3 ହେଉଛି, ବିକଜ୍ ଦୁହେଁ ଯାକ ମିଶିକି କାମ କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛି। ଆଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ ଡେଜ୍ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଲାଗିବ ନା 20 days ଲାଗିବ। ଓକେ, ସୋ 20 days ଲାଗିବ, 20 days ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ। ଓକେ, ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି ସାଇନ୍ ଏ। ଓକେ, ସାଇନ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ କସ୍ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2, ହେଲା। ତ ଏଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଯେଉଁ ଟେବୁଲ୍ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଯେଉଁ ଥିଟା ଟେବୁଲ୍, ସେ ଥିଟା ଟେବୁଲ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼େଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ପଢ଼େଇବି। ସୋ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଥିଟାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ 90 ଥାଏ, ତ ସାଇନ୍ 90 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହୁଏ, ସାଇନ୍ 90 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 ହୁଏ, ଆଣ୍ଡ କସ୍ 90 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ହୁଏ। ଓକେ, ସୋ କସ୍ 90 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0, ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଯଦି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭଲି 0 ଯଦି ହେଉଛି, ସାଇନ୍ 0 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ହୋଇଥାଏ ଆଣ୍ଡ କସ୍ 0 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ 2 କରିବାର ଅଛି, ତ ଏଠି ସାଇନ୍ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆମେ 90 ପକାଇଦେବା, ଆଣ୍ଡ ଏଠି ବିର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆମେ କେତେ ପକାଇବା ନା 0 ପକାଇବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମକୁ ମିଳିଯିବ କି ଆମେ ଏର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ 90 ପକାଇଲା ବେଳେ ବିର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ 0 ପୁଟ୍ କଲେ। ଓକେ, ତ ଏଠି ସାଇନ୍ 90 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 ପ୍ଲସ୍ କସ୍ 90 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1, ସୋ 1 ଆଣ୍ଡ 2 ହେଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଲା। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଟର୍ମରେ ଆମେ ସେଇ ସେମାନ ସମାନ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁକୁ ପୁଟ୍ କରିବା, ତ ଏଠି ଆମେ ଟାନ୍ କେତେ, ବିର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ 0, ତେଣୁ ଟାନ୍ 0 ପ୍ଲସ୍ ଏଠି କେତେ ଆମେ ପୁଟ୍ କରିବା, କସେକ୍ 90। ଓକେ, ସୋ କସେକ୍ 90 ପୁଟ୍ କରିବା, ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟାନ୍ 0, ଯଦି ସାଇନ୍ 0 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0, ତ ସାଇନ୍ କସ୍ 0 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1, ତ ଏଠି ସାଇନ୍ 0 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ, ସାଇନ୍ 0 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0, ତ ଏଠି ଟାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଟାନ୍ ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଇନ୍ ଥିଟା ବାଇ କସ୍ ଥିଟା, ତ ସାଇନ୍ 0 ବାଇ 1 ଯେ କେତେ 0 ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ଇଏ ବି ଆର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ 0 ହେଲା ବେଳେ କସେକ୍ 90। ଓକେ, ସୋ ସାଇନ୍ 90 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ 1, ଆଣ୍ଡ କସେକ୍ ହେଲେ 1 ବାଇ ସାଇନ୍ ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କସେକ୍ ଥିଟା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଇଆର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବି 1 ଆସିବ, ତେଣୁ ଇଆର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ ଆସିବ, 1 ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ଇଏ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ସୋ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କି ଆଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଦ ରେସିଓ ବିଟୁଇନ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଆନନ୍ଦ ଆଣ୍ଡ ଜୟନ୍ତ। ଓକେ, ସୋ ଆନନ୍ଦ ଆଣ୍ଡ ଜୟନ୍ତର ଏଜ୍ ରେସିଓ ଗିଭିନ୍ ଅଛି 3:4 ରେସିଓରେ, ଆଣ୍ଡ 4 ଇୟର୍ ହେନ୍ସ, ମୁଁ ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ 4 କିମ୍ବା 2ରେ ବି ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଥିଲି, ଏହାର ମେଥଡ଼ କହିସାରିଥିଲି ଯେ କେମିତି ଆପଣ କରିବେ, ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ 4 ଇୟର୍ ହେନ୍ସ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବିକମ୍ 4:5। ଓକେ, ସୋ 4:5, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରେସିଓଟା ସମାନ ଅଛି କି ନାହିଁ, ମିନ୍ସ କି ତାଙ୍କ ଡିଫରେନ୍ସଟା ସମାନ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏହାର ଡିଫରେନ୍ସ 1 ହେଲା ବେଳେ ଇଆର ଡିଫରେନ୍ସ 1 ଅଛି, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ତେଣୁ କାହାର ଡିଫରେନ୍ସ ନେବେ, ଇଆର ଡିଫରେନ୍ସ ନେବେ, 2ଟାକ ନମ୍ବର ଅଛି, ତ ଇଆର ଡିଫରେନ୍ସ ବି 1 ହେଉଛି, ତେଣୁ 1 ରେସିଓ ଥିଲେ ମୁଁ କହିଥିଲି କି ଏଇଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରେସିଓ ଦେଇଛି, ଆଣ୍ଡ ଏପଟେ ଯାହା ବି ଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଡ଼ିସନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି 4 ରେସିଓ ଯଦି 1:4 ହେଉଛି, ତାହେଲେ 1 ରେସିଓର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ 4 ଆସିଲା, ତ ସେ କହିଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଆନନ୍ଦ, ଆନନ୍ଦର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ କେତେ ହେବ, ମିନ୍ସ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଥିଲା 3 ରେସିଓରେ ଥିଲା, ସୋ ଏଠି ଆପଣ କେତେ ଆସୁଛି ନା 3:4 ରେସିଓ, ଯେଉଁଟାକି 12 ହେବ ତା'ର କରେଣ୍ଟ ଏଜ୍। ଓକେ, ତ ଇଏ ହେଲା 12 ହେବ ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 6, ଦ ଆଭରେଜ୍ ୱେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ 20 ମେନ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍, ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ କହିଥିଲି କି 20 ମେନ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆଭରେଜ୍ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସ ଅଛି, ସେ କହିଛି କି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ହୁଜ୍ ୱେଟ୍ ଇଜ୍ 60 କେଜି,
मनकर ए से रिप्लेस हो जार एज 60 केजी अच्छी एंड बी एंट्री करूँगी जार एज आमको गिवेन ना आमको बाहर करार अच्छे एंड से एंट्री जो कर समस्त वेट जोटा कि से 1 केजी लेखा जोटा कि इनक्रीज हो तो ये एक्स प्लस वन प्रोवाइड हो सो लेट देखूँ कि ये जो थी ये 60 केजी थी 60 केजी को जी रिप्लेस कला से 60 केजी तो ना अधिका आनी अधिका आनी देखो ये जो 20 केजी थी 20 जन थे समस्त को से गोटे गोटे केजी हिसाब से समस्त एज को से इनक्रीज कर तार जो वेट को से इनक्रीज कर दैट मीनस कि से 20 जन को जी एक एक देखिए टोटाल के अमाउंट एक्सट्रा आनी तो 20 केजी एक्सट्रा आनी दैट मीनस कि 80 केजी से थिला एंड 60 केजी तार करंट है एंड 20 केजी अन्य मन को बांटीदेला तेणु ये हम कैसे न्यू मैन एज हम 80 केजी ओके 80 केजी आप सी हम राइट आंसर ओके सी हम राइट आंसर नेक्स्ट देखा द टेम्परेचर ऑफ द सिटी मंडे टू सैटरडे टी मिसिंग अच्छी डाटा मुझे कौन मिसिंग अच्छे कि देखो मंडे टू सैटरडे ओके सो मंडे टू सैटरडे 6 डेज हम मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे एंड थर्सडे एंड फ्राइडे एंड सैटरडे 6 डेज है 6 डेज 24 × 6 ओके टोटल आवरेज दे ना ये द आवरेज दे जोटा कि आपंकर आवरेज रोचे के टेम्परेचर से मंडे टू सैटरडे ये रोज 24 दैट मीनस कि गोटे दिन जी रोचे आवरेज हिसाब से आसवा कथा एक्चुअली आवरेज होगा कथा एंड आवरेज होगा कथा एंड एटी भी आवरेज आपको कि ट्यूजडे टू संडे ओके ये टाइप आप मन रखे केमी आप करें ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे प्लस फ्राइडे सैटरडे प्लस संडे ओके संडे एटी भी आपको 23.5 × 6 ओके सो टोटल जो यहाँ हूँ देखो एटी मुझे माइनस करी ट्यूजडे ट्यूजडे एंड वेडनेसडे वेडनेसडे थर्सडे थर्सडे फ्राइडे फ्राइडे एंड आपणकर जोटा कि फ्राइडे एंड सैटरडे भी कैनसल आउट आउ बाकी रहा कौन ना मंडे माइनस संडे इक्वल टू के देखूँ मुझ 6 कमन आनी पकोची मुझे डायरेक्टली किसी करूँ डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन कर 24 − 23.5 जोटा कि 0.5 तार डिफरेन्स इंटू 6 करते के ना 3 जोटा रोचर डिफरेन्सटा ये आप गिवेन रहा कथा कि मंडे टेम्परेचर सरी मंडे टेम्परेचर मागिजी तो संडे टेम्परेचर ये मिसिंग अच्छे जोटा कि आपणकर 25 ओके सो 25 रहा कथा एक्चुअली सब एग्जाम जितने क्वेश्चन आसो तो गोटे टेम्परेचर आपको निहाती भाव में देव कि डिफरेंस क्वेश्चन पचार ओके सो ये देखो मंडे माइनस संडे इक्वल टू आपर के 3 पाइले सो मंडे माइनस संडे इक्वल टू 3 सो दैट कि आपंकर संडे टेम्परेचर के 25 ना सो मंडे माइनस 25 इक्वल टू 3 एंड मंडे इक्वल टू 3 + 25 इक्वल टू 28 ओके सो 28 हम राइट आंसर 28 आप बी राइट आंसर हम ओके सो नेक्स्ट देखिए एम एन बट टू आर्टिकल जोटा कि गोटे 840 एंड सल 20% गेन एंड अदर 10% लॉस फाइंड द कॉस्ट प्राइस इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेम बोथ सेम देखो जे मनकर कि से फर्स्ट जोटा कि से 100 100 रे मनकर दुटा को कि ओके सो जितेबाला फास्ट से करुच्छे कि 100 मानने 20% लाभ होने कि एक्स जदि तार जब कस्ट प्राइस था 120% हिसाब से बिक्री करेंड या इक्वल टू के ना 90% 100% 10% लस हो जाए एंड 90% जो वाई में बिक्री करा तार सामान हो दैट मीनस एक्स एंड वाई रेसीो आप बाहर करेंगे 90/120 तो ये जदि आप काटे तेल 3 काटिले 3 × 3 = 9 ये 3 काटिले 3 × 4 = 12 ओके एंड एक्स प्लस वाई जो दुटाक से दुटाक बट कर दैट मीनस कि आम सेलिंग प्राइस जेहतु बाहर कले ये तो सरी कॉस्ट प्राइस बाहर कले एंड कॉस्ट प्राइस इज टोटल दुटा मिस 7 रेसीो होंड 7 रेसीो कि आप 840 तो 1284 मैंने 120 रेसीो 1 रेसीो बाहर तो गोटे आर्टिकल को 1220 × 3 कले के 360 टाइम किणी और अगर आर्टिकल को 448 टाइम किणी तो 360 448 जोटा कि बी हाँ राइट आंसर ओके नहीं देखिए एम एन बट 24 डजन ओके सो से कर 24 डजन आपणकर जो एग किणी ओके सो 24 डजन कि से 18 टाँचा पर डजन रे किणी ओके तो जोटा कॉस्ट प्राइस कैसे पड़गला ना 24 × 18 बुझिपारे एंड से कह 48 एग
48 एक मैंने कौन बाय 12 कर दिले केते डजन से एक कहि छै ना तो डजन हिसाब रे हमें बाहर करबा ना तो बिकॉज़ हम डजन हिसाब रे किनि छथि सो एठी जो डजन अछि सेटा केते डजन 4 डजन रो तार ब्रोकन हि जाइ छै त माने आउ केते डजन रहिले 20 डजन रहिले ए 20 डजन को से केते नगर बिक्री करबा सेटा आपन क्वेश्चन मागि छै सो जोडा कि 25% रो तार प्रॉफिट हे बगत तो कॉस्ट प्राइस हमकु जो सेलिंग प्राइस केते हे बगत सेलिंग प्राइस हला कि 24 इनटू 18 से किनि छै एंड 25% प्रॉफिट मीन्स कौन 125% बुझ पाले तो 125 बाय 100 बुझेला तो एको हमें जदी 25 रे काटे 25 पंचा 25 चौ 4 रे काटले केते होची 6 ओके सो हमें 18 इनटू 5 केते 90 इनटू 90 कर दियंतु त माने केते 540 टका रे बिक्री करबा कथा केते डजन को बिक्री करिवो 20 डजन को बिक्री करिवो पर डजन प्राइस केते तार 27 टका बुझ पाले केते टका 27 टका बिकॉज़ एठी कटि जियो ना तो 27 टका हबो तार जोटा कि सेलिंग प्राइस नेक्स्ट देखिबा द अमाउंट ऑन सीआई सम माने 2 ईयर 8% अपन को देई छी एंड सम मागी छी ओके सो एठी देखंतु 8% रे जदि मु ए बाय बी फार्मूला अपन को कहि देली जोटा कि एठी ए बाय बी फार्मूला कोन ना 100 प्लस आर बाय 100 टू द पावर एन ओके एंड एठी देखंतु ए बाय बी फार्मूला रे डायरेक्टली पड़ि जइबो अमाउंट तो से मागी छी अमाउंट ऑन सीआई देई छी ना तो अमाउंट हम गिवन अछि तो एठी देखंतु अमाउंट बाय प्रिंसिपल इक्वल टू 8% केते हबो 108 बाय 100 टू द पावर 2 ईयर पई दी छी तो एठू हमें यदि कैंसिल आउट करबा 27 एंड जे फोर्स जोडा के होजी 27 जे जोडा के 108 एंड ई हबो 25 ओके तो 27 एवं 25 रो स्क्वायर हबो 27 25 स्क्वायर इक्वल टू केते आपन पईबे ना 27 रो स्क्वायर हला 729 एवं ए 25 रो स्क्वायर हला 625 ओके सो 729 जोटा कि आप पाइले 2916 रेसियो पैंकि बिकज एमाउंट आमको गिवन अच्छी ना एंड आमको प्रिंसिपल बाहर करवा कारण ये ए बाई पी फर्मूला अच्छी तो एमाउंट आमको गिवन अच्छी एंड प्रिंसिपल बाहर करवा अच्छी तेणु जोटा कि आपत पाँच के 936 इंटू 4 रेसियो 4 रेसियो आप 2916 पलि एक फोर कले 25 चौ 100 तो ये है 100 एंड 6 चौ 24 एक 25 तेणु 2500 हम आप राइट आंसर प्रिंसिपल हम कहते ना आप 2500 ओके सो 25 ए है राइट आंसर नेक्स्ट देखा तो डिफरेंस ऑन सीआई एंड एसआई 200 ईयर यहाँ मुझे फॉर्मूला आपको कहीदे जदि आप 2 ईयर पर कि अच्छे तेल आप फॉर्मूला है कि पी इक्वल टू पी है प्रिंसिपल इक्वल टू डिफरेंस डी है डिफरेंस इंटू 100 र स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हेला जो थे कि पी हेला प्रिंसिपल ओके एंड आपणकर आर हेला रेट एंड आपणकर सॉरी आउ डी डी हेला डिफरेंस ओके बी हेला डिफरेंस सो ये हेला डिफरेंस तो ए जदी 2 ईयर पई कि एंड 3 ईयर पई कि आपण पाई परबे पी इक्वल टू डिफरेंस इनटू 100 रो क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर ओके सो ये है दुटा फर्मूला ये फर्मूला को निहाती भाव में मन रखिए बिकज बहुत कम आसो ओके नेक्स्ट देखा ये जहाँ आपको ये पी रैल्यू मागे पी अवश्य दे दी आपको पी है 200 टकर आपणकर के डिफरेन्स है 6.20 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 ओके डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर तो मागे आमको आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर ओके सो ये आमको गिवन अच्छी तो आर वैल्यू बाहर एमती आपको बहुत डिफिकल्ट हो जाए बट ये आपको जोटा कि ऑप्शन साइड रू प्रूव करा पड़ेगा देखो ये 300 प्लस आर के पकड़े यहाँ डायरेक्टली जो डिफरेन्सटा कटिजो आम देखा कि 10 आप पकई दिखाँ 10 पकड़े के 100 हो एंड ये 310 ही होती तेणु 310 620 जोटा कि डिविजिबल होगा बेले जना पड़े एंड काटे भी सेम जिन आसो निहती भाव में 100 कटिज एंड जोटा कि आप दुई आस दुई रेसी ये डायरेक्टली आप कटि जाऊँच बिकज आर स्क्वायर 100 100 इंटू 100 पल 100 कटिज सो ये 200 भी कटिज सो ये 200 भी सैड मिले से 10% जोटा कि रईट आंसर आप ऑप्शन साइड रू करने कथ बिकज अदरवाइज बहुत लेंथी हिसाब से बाहर से जिन करवा किसी आवश्यकता नुह मैंने सर्टेन व्हाट सम ऑफ मनी द एसआई ऑफ द 4 ईयर एट 7 फुल 1/2% बी इक्वल टू द एसआई ऑन 105.00 5 ईयर 12% तो देखो ये जो अच्छे आप प्रिंसिपल फर्स्ट प्रिंसिपल पी ओन अच्छे एंड 4 ईयर एंड 7% मैंने 80% मुझे ऑलरेडी आपको एसआई इक्वल टू 80% रे ही करिया पे कहि थली ऑलरेडी बहुत सारा भी मैथमेटिक्स कर सेल नि सेतरे एंड एठी हमको 4 ईयर आर
टी दे 4 ईयर एंड आर दे आपर के ना 7 + 1/4 सात दुनी 14 + 1 = 15 तेणु 15/2 आम करवा दुई में काटली 2 = 30% ओके टोटाल है 30% 8% के 30 तेणु 30% पी ओन रसेंटेज इक्वाल टू ये 5 वर्ष 12 60% पी टू मानने प्रिंसिपल टू रसेंटेज जहाँ एवं 30% पी ओन से तेणु से कही कि पी ओन बै पी टू रेसीो जो बाहर करवा 60% बै 30% दैट मीनस कि 2:1 रेसीो रे से कही कि पी टू रो समटा देते 10500 एंड यार रेसीो जो आपे तार डबल हो डबल के 21,000 ही बुझे तेनाली 21,000 आप रईट आंसर हे नेक्स्ट देखा फाइंड द प्राइस ऑफ आर्टिकल इनक्रीज 20% एंड आफ्टर डिक्रीज जोटा कि 20% मुझे कही कि आपको जब फास्ट इनक्रीज करुच्च एंड देन डिक्रीज करुच्च सेम अमाउंट डिक्रीज करुच्ची आर स्क्वायर बाय 100 रो फॉर्मूला पड़े एंड ऑलवेज डिक्रीज द आंसर सब बड़े डिक्रीज रे बाहर जोटा कि माइनस रे बाहर तार साइन तो ये आपको कैसे 20 रो स्क्वायर के 20 × 20/100 करवा 0000 कैनसल 4% डिक्रीज जोटा कि आंसर हम आपर सी ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कि ऑफ द थ्री नंबर द फर्स्ट नंबर इज 80% ऑफ द लेस देन द सेकंड व्हिच इज 40% मोर देन द थर्ड बाय हाउ मच परसेंट इज फर्स्ट लेस देन द थर्ड ओके सो ए बी सी सो देखो ऑफ द थ्री नंबर द फर्स्ट इज 80% लेस देन द सेकंड व्हिच इज बिकज एटा स्टार्ट है ना मो थर्ड रो ना मतलब सुविधा हे बिकज ये देखो फर्स्ट इज 80% लेस देन द सेकंड बट सेकेंड व्हिच इज 40% मोर बाय द थर्ड ला लेट कि थर्ड जदि 100% हो जेहेतु बीटा ताठारु केते 40% एक्स्ट्रा होची एंड से कहि कि जो फर्स्ट नंबरटा 80% लेस देन द सेकंड लेस देन मीन्स कौन 20% ही हेबा ना बिकज लेस देन 100 रूट 80 होले केते 20% तनो 140 रो जदि 20% बाहर करबा केते 28 ही हेबा ना सो ए 28 से कहि हाउ मच परसेंट इज द फर्स्ट लेस देन द थर्ड तो एठी 28 ही एटा के मैंने दैट मीनस कि ये आपको जो 28 लेस देन कही ये 28 होगा बेले ये के 100 हूँ ना तो ये 100 है 100 काटे आम के मिलूँ 72 हो तेना 72/100 × 100 हे बिकज 100 देन सी कही देन सी तले रही है एंड जोटा कि परसेंटेज आपड़ा कहे 100 कैंसर 72% लेस हे जोटा कि फर्स्ट नंबर रूम जब लेस मागिले एंड जदि नंबरटा के परसेंटेज कही था 28% होता है ओके तो ये क्वेश्चन टी रंग अच्छे ठीक से एक्जिक्यूट कराई तो या छाड़ी दिंतु एंड नेक्स्ट देखो द फॉलोइंग ग्राफ द परसेंटेज इनक्रीज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बाय एसएनटी लिमिटेड 6-10 पर्यंत एसएनटी लिमिटेड देती एंड ये जो आप देखुं यहाँ है आप जो रेवेन्यू एंड यहाँ है तरह एक्सपेंडिचर ये एक्सपेंडिचर करके ये रेवेन्यू पाई एंड यहाँ जो क्वेश्चन इनक्रीज अवर एक्सपेंडिचर द एसएनटी लिमिटेड वाज मैक्सिमम फॉर व्हिच ईयर कौन अधिक इनक्रीज करी एंड एक्सपेंडिचर कथा से कही देखो एक्सपेंडिचर 2006 के 25% ओके एंड 2007 50% मैंने के 100% इनक्रीज कर बुझे 25 थी 50 है मैंने 25 बढ़ी ना 25 के 100% बढ़ुची एंड सेकेंड जोटा कि 2007 देखो ये तो इनक्रीज करनी ये तो मैक्सीम कह इनक्रीज कौटी अधिका है दैट मीनस कि 2008 तो इनक्रीज है ना एंड 2009 जब देखा ये 10% थी एंड एटी एक्सपेंडिचर के 20% मैंने 10 थी ये के 20 मैंने 10% इनक्रीज कर मैंने ये भी 100% इनक्रीज है एटी आपर डिक्रीज है जोटा कि आप ओके सो ये 20% थी एंड ये डिक्रीज है तो ये इनक्रीज तो है बट ये भी आप सेम सेम जिन रोज 25% ये 50% ये आप 10 एवं ये है 20 तो ये दुटा का होगा कथा एक्चुअली एंड ओके सो दुटा का हवा कथा एटा बिकज आमको 2007 ओके सो 2007 आउ 2009 रे सेम सेम इनक्रीज करी बट से जब मैक्सिमम जब कही मैक्सिमम इनक्रीज ना खाली मैक्सिमम जब कही आप आंसर हम 2007 है बट ये इनक्रीज जेहतु कही इनक्रीज आपको निहाती चेंज हो तेनाली इनक्रीज जब काटिद आंसर आप 2007 हम बुझेगा जब इनक्रीज कही आप मेथड ही जानतु जी कमी से कराए सो नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ये कही द फॉलोइंग ग्राफ सो द ओके डबल राइटिंग हो सो ये ठीक 17 रंग अच्छे ठीक 17 ठीक ओके
ओके नहीं ठीक अच्छे द फलोइंग बायोग्राफ द परसेंटेज इनक्रीज ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रेंड इज द प्रीवियस ईयर। ओके ठीक ठीक रॉन्ग अच्छे क्वेश्चन जेतु प्रिंटेड हैनी सेटा आपण देखि नै जेबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 18 देखंदो द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इंक्रीज और डिक्रीज हाउ मच परसेंटेज फ्रॉम द 7 टू 9। ओके से कहि कि आपण एक्सपेंडिचर हैला एटा तो 7 रे एक्सपेंडिचर केते थिला 50 थिला बुझ पाले 50% एंड 7 रु 9 पर्यंत 9 रे केते अछि आपणकर 20% अछि केते 20% अछि दैट मीन्स कि 30% रो से डिक्रीज करिछि तो से कहिछि कि फ्रॉम द एतकी टू 9 कहिछि ना तो आम डिक्रीज जोटा कि फर्स्ट टू देखिए 2017 इनक्रीज और डिक्रीज 30% डिक्रीज कर 50% ऊपर इंटू 100 तो 50 रे काटली 2 होछि त 60% रो डिक्रीज करिछि बुझल तो 60% डिक्रीज होती। नेक्स्ट देखा जोटा कि आप व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द 2010 मोर देन फ्रॉम द 2006 2006 रेवेन्यू थिला 2006 रे आमे रेवेन्यू थिला 20 ओके एंड 2010 रे आपणकर रेवेन्यू जोटा कि 60 ओके सो इनक्रीज केते करिछि 40 इनक्रीज करिछि तनो 40 टा 20 रो केते परसेंटेज सेटा 2 कटिगले केते 200% रो इनक्रीज हिछि। ओके 20 देखंतो 20 गेला सम ऑफ द 5 कंसेक्युटिव इवन नंबर इज गिवन जोटा कि 300। ओके सो एट देखंतो कंसेक्युटिव जेतेले नंबर कहबा ताले x x plus 1 x plus 2 एम थिबा इहेले कंसेक्युटिव नंबर। ओके एंड कंसेक्युटिव इवन नंबर जति कहबा बिकॉज़ हमकु देखंतो इवन नंबर ले 2 4 6 8 एम थि होची तो मान सब थ्री डिफरेंस के 2 ही रहो ना तो सही टाइप आम जो कंजिक्यूटिव करवा तो कैसे हम एक्स है बेले सेकंड नंबर एक्स प्लस 2 हम एंड थर्ड नंबर जो एक्स प्लस के 4 हम एंड आप नेक्स्ट नंबर एक्स प्लस 6 है बेले आर नंबर एक्स प्लस 8 हम तो पांचटा नंबर एमती है तो पांचटा नंबर सम के 5x हो ये 8 प्लस 2 10 है 10 है ये 10 20 है ये आप 20 इक्वल टू के 300 बुझे 300 अच्छी सो नंबर टा के 20 टाइप आसे माइनस हो 20 हेल्ले 280 हो दैट मीनस कि आम लिखिले 5x इक्वल टू 280 एंड एक्स इक्वल टू के 280 डिवाइडेड बाय 5 सो एटी डिवाइडेड कले 5 पंचा 25 एवं ये आपणकर जोटा 3 है 5 36 56 तेनाली एक्स रैल्यू के 56 तेनाली टोटाल नंबर के नंबर जेहेतु 56 है स्मलेस्ट तापर 58 एंड तापर आपण 60 एंड 62 एंड 64 पांचटा नंबर तो क्वेश्चन आपको कही कि व्हाट इज द सम ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट। ओके सो सेकंड लार्जेस्ट एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर एक्जाक्टली मिडिल एमंगस्ट देम। ओके तो ये सेकंड लार्जेस्ट किए अच्छी 62 अच्छी तेणु 62 प्लस मिडिल नंबर किए एटू दुईटा पर 60 है मिडिल नंबर 60 स्क्वायर के 3600। ओके सो आपणकर आंसर हम 3662 बुझेगा ये है राइट आंसर ये आप 3662 आंसर जोटा कि आप डी हे। नेक्स्ट देखिए सो आवरेज स्पीड ऑफ ए ट्रेन रनिंग एट 30 किलोमीटर पर आवर ड्यूरिंग द फर्स्ट 100 किलोमीटर एंड 40 ड्यूरिंग द आप 100 किलोमीटर एंड थर्ड रे जोटा कि सी जा 50 किलोमीटर जी सी गोटे फर्मूला है कि स्पीड टाइम स्पीड डिस्टेंस रहा तो ये फर्मूला है कि जदि गोटे जेकोसी बॉडी जदि फास्ट बा गोटे फास्ट डिस्टेंस को एंड आप एक्स किलोमीटर सेकेंड डिस्टेंस को सेम डिस्टेंस को वाई किलोमीटर एंड थर्ड डिस्टेंस को जदि जेड किलोमीटर जा एबीसी ए किलोमीटर रे बी किलोमीटर रे सी किलोमीटर जाऊँगी देन आपणकर जो एवरेज स्पीड रे फर्मूला जोड़ा हुए 3 × a + a × b × c बाय ए बी इंटु ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हुए जदि दीटा स्पीड देला ए प्लस दीटा डिस्टेंस को फास्ट डिस्टेंस को एक्स किलोमीटर सेम डिस्टेंस होगा था सेम डिस्टेंस जदि एक्स किलोमीटर एंड जदि सेकेंड जो सेम डिस्टेंस को जदि वाई किलोमीटर जाउछि ताले सेटा दुईटा पैंकी हेले दुईटा पार्ट हेले 2 × a b बाय ए प्लस बी ये है आप जोड़ा कि आप एवरेज स्पीड रो फॉर्मूला सो ये आपको जी तीन टा दे एंड फर्स्ट आमको प्रोवाइड हो देखी कि आम ये डायरेक्टली पकड़ा 3 × a जो दे 30 किलोमीटर एंड बी दे 40 किलोमीटर एंड सी दे आप 50 किलोमीटर। ओके
सो एठी आपणकर ए प्लस बी मीन्स कि दुईटा गुणन हम तेल के बार शह एंड बी सी हेले ए दुईटा गुणन हम आपर चार पंचा कोड़े 2000 एंड एटी ए सी जी हम 5 3 15 है आप 1500। ओके सो ये आप टोटल के देखी दिंतु जोटा कि 00000 हेले ई है 00 एंड ये आपणकर के ना ये 12 प्लस 15 27 27 20 आप 47 है तो 47 हो एटी 00000 कैनसल आउट 00000 कैनसल आउट जोटा आपणकर पाइले के 5 20 20 × 9 है 1800। ओके सो टोटल 1800 / 47 जोटा कि आप पाइबे के 38.29 इक्वल टू जोटा कि 38.30। ओके तो ये 38.30 है सी रे अच्छे। तो नेक्स्ट है जदि बी प्लस ए हाफ अफ द वर्क करोटा कि बी 1/6 अफ टाइम कर एंड टुगेदर दे 10 डेज रे करते दिन रे काम सर देखो हाफ अफ द काम को ए प्लस बी जी टाइम कर 1/6 टाइम से किए कर बी कर दैट मीनस कि ये रेसीो नहीं जातु आप ए प्लस बी बाय वी काम करते 1/6 एटा गले आरपट को ओल्टी जीवो एटी 2 हो जीवो 2 रे काटले 3 हो जी तने 1/3 दैट मीन्स कि आमे पाइले कौन जे ए प्लस बी बाय वी इक्वल टू 1/3। ओके तो से कही कि जदि दि जन जाक मिसिकी 10 डेज रे करते बी के दिन कर तो देखो 1:2 दुई जन जाक मिसिकी जेहतु 1:2 कर 10 डेज कर एंड बी एलोन कले 30 डेज कर सिंपल जिनस एंड 23 द रनिंग गोज टू स्कूल 10 किलोमीटर हाँ सो एटा गोटे डिस्टेंस फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम एटा जानते एंड ए टाइप रि आपको भी गणित मिलूँ तापाई गोटे स्पेशल फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला भी अच्छे सो डायरेक्ट फॉर्मूलाटा भी मुझको कहीदे तो डायरेक्ट फॉर्मूला केमती हे आपत अप्लाई करेंगे एंड अदर फॉर्मूला भी केमती अप्लाई करेंगे डिस्टेंस इक्वल टू गोटे फॉर्मूला भी अच्छे तो टाइम इंटू स्पीड 1 × स्पीड 2 डिवाइडेड बाय स्पीड 1 + स्पीड 2 ये भी गोटे फर्मुला अच्छे या मन रखे भल कथ अदरवैज मुझे एमती कहीदे कि फास्ट देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम सो डिस्टेंस बाय टाइम जेहतु आमको ये स्पीड अलरेडी गिवेन अच्छे एंड टाइम भी अलरेडी गिवेन अच्छे एंड टाइम भी गिवेन अच्छे तो एमको स्पीड रेसीो बाहर करा एंड से भी डायरेक्टली आमको मिल जाएगा स्पीड जेहतु गिवेन अच्छे आमको एंड आप डिस्टेंस काढ़ अच्छे तो ये देखो कि फर्स्ट टाइम जितने कही कि जितने स्कूल गला 10 किलोमीटर पर आवर गला बट ये 6 मिनिट्र लेट है। ओके सो नेक्स्ट डे से कौन कल 12 किलोमीटर पर आवर गला एंड स्कूल 9 मिनिट पूर्व पहुँचीगला तो ये डिस्टेंस के लिए स्कूल मागिजी तो फास्ट देखो कि फास्ट डिस्टेंस जितने जाऊँच डी डिस्टेंस को कवर करुच्चे के 12 किलोमीटर पर आवर रे तो से कौन करते आपर जो अर्लियर रोचे। ओके अर्लियर एंड एटी लेट तो एमती रही आप दुटा को एडिशन करेंगे। ओके एडिशन हम जो लेट लेट र ओके तो ये आपणकर बी एडिशन सॉरी माइनस करेंगे लेट लेट थी माइनस करेंगे एंड प्लस प्लस थी माइनस करेंगे। ओके माइनस करेंगे सीटा बट ये प्लस माइनस थी आप प्लस करेंगे जो टाइम कथा मुझे तो सेकेंड डिस्टेंस जो से कब कला ये मेथडटा को मन रखिए कि आप डायरेक्टली डिस्टेंस डिवाइड करेंगे एंड पूरा डिटेल तो मुझे बताई था ट्रेडिशनल मेथड जेहतु टाइम मुझे डायरेक्टली कह एंड बहुत बोर हो जाए बहुत पे भी तो से कि जो डिस्टेंस रोचे से डिस्टेंस है आप नेक्स्ट डिस्टेंस करुच्छे सरी ये मुझे फास्ट देली से कही कि फास्ट देखो जो फास्ट से जाऊँच के 10 किलोमीटर पर आवर जाऊँच एंड से तार लेट हो एंड सेकेंड रे के 12 किलोमीटर ये जो काटिली मुझे लेट से कौन लेट एंड अर्लियर अच्छी तेल 6 मिनट प्रथम जाइए एंड 6 मिनट लेट होता पर 9 मिनट जोटा कि अर्लियर पहुँचला मैंने 15 मिनिट रोचे 15 मिनट ये जेहतु किलोमीटर पर आवर अच्छी तो स्पीडटा आम कौन कर जोटा कि किलोमीटर कर मीनस आवर चेंज करार अच्छी तो ये चेंज कले के 1/4 हो एंड एटी जदि आम एलसीएम ने 12 10 एलसीएम आप के 60 पाइबे एंड एटी 60 कलापर आप मिलूँ के 6D माइनस ये आप 5D। ओके सो ये आप 1D बा डी 60 इक्वल टू आम के 1/4 ही अच्छी ना तो डी इक्वल टू के डायरेक्टली कटिज के 15 हो तो ये आप इक्वल टू 15 सो ये आप 15 किलोमीटर आप फॉर्मूला पकईकी
आपंकर पाइपर तो यहाँ सर्टकट फर्मुला आपको एत फर्मुला पकड़ अपेक्षा आप एमती मेथड करूँ जोटा कि बहुत इजी एंड निहाती भाव में बहुत इजीएस्ट रो आपंपाई व्हाट इज द अमाउंट इनस्टॉलमेंट डिस्चार्ज डेट ऑफ ये एंड फोर इयर्स सिंपल इंटरेस्ट ऑलरेडी मुझे गोटे वीडियो कर सारी सिंपल इंटरेस्ट थ्रो फोर इयर पर देखो फर्स्ट हंड्रेड देवे आप जेहतु जोटा इनस्टलमेंट आपड़ देते जोटा कि आपंकर जो सम रम को प्रोवाइड करेंगे हंड्रेड प्लस हंड्रेड प्लस हंड्रेड चार वर्ष पर हंड्रेड हंड्रेड देते आप फास्ट वर्ष पर आप कि तो फास्ट जो फास्ट आरंभ हम से तो किसी इनस्टलमेंट देवेनि कितु जो आप सेकेंड इयर हो फास्ट इयर जो शहे शहे टाँग नहीं से आठ दस परसेंट रे कहते मैंने दस टाँग प्रोवाइड करेंगे सेकेंड इयर ये दस परसेंट यहाँ कि दस टाँग यहाँ दस टाँग देते दैट मीनस कि कोड़े टाँग आप दे थर्ड इयर में तीन जन कि थर्टी रुपीज दे तो टोटल आपंकर देते ये आसे आप ट्वेंटी प्लस थर्टी जोटा कि फिफ्टी प्लस सिक्सटी तेना सिक्सटी रुपीज्र आपंकर इंटरेस्ट सहित ये आपके ना चारिश टाँचा प्रोवाइड कले बुझे तेना चारिश टाँचा दे प्लस सहित आप षाठी टाँचा आपंकर जो इनस्टलमेंट ना तेल ये जो चारिश षाठी परसेंट आप टोटाल दे मैंने पांच वर्ष यार हंड्रेड परसेंट के जोटा कि चारिश षाठी कि आप जो ये प्रोवाइड करा यहाँ टोटाल इनस्टलमेंट दिए ना टोटाल इनस्टलमेंटर भैल्यू के जी आम शहे शह टाँग नौले आपको इनस्टलमेंट के चार शह षाठी टाँग दवा कथा तो से ही चारिश षाठी टाँग चार शह षाठी टाँचा रेसीोर आपड़ दौरान के थ्री टू टू जीरो दौरान हंड्रेड परसेंट जो इनस्टलमेंट तरह के सिंपल इंटरेस्ट आम पाइबा जोटा कि तरह जो अमाउंटा पाइबा ये के जीरो ओके सो ये आपंकर जदि तेईस भी कटि जाऊँगी बोलते तेईस दुगुण छयास एटी तेईस पकड़े तेईस एक तेईस है सात दुई नौ तेईस चौ बयानबे ओके सो तेईस चौ बयानबे आसे ये आप काटिले के ना सेवेन तो सेवेन इंटु हंड्रेड इक्वल टू सतश टाँचा तो सतश टाँचा आपंकर कौन है जोटा कि इनस्टलमेंट है अलरेडी मुझे इनस्टलमेंट रोटे भिड भी लंच कर सारी एंड जदि आप देखिए से भिडटा ही जो आप टू पी एम जी टू और थ्री भी दिखाई एमती गोटे मैथमेटिक्स ओके एंड ट्वेंटी फाइव जोटा दिखाई देखो सो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम टू ईयर ट्वेंटी परसेंट एनम इज एट्टी ओके कंपाउंड इंटरेस्ट दे टू ईयर पर ट्वेंटी परसेंट एनम दिखाई आठ सौ अस्सी टाँचा सिंपल इंटरेस्ट जोटा कि सेम सम बट डबल द टाइम एंड हाफ ऑफ द परसेंट के तो ये अति जिन कंपाउंड इंटरेस्ट सर्टेन सम टू ईयर ट्वेंटी परसेंट पर दैट मीन ए बाय पी फॉर्मूला अप्लाई कर दिखाँ एंड ये ए बाय पी मैंने ट्वेंटी परसेंट देती मैंने वन ट्वेंटी बाय हंड्रेड दुई वर्ष पर देती तो ये आप काटे के ना छ सरी छ बाय पाँच एंड रही आपंकर एंड छ बाय पाँच मैंने छर स्क्वायर है छतीस और पाँच स्क्वायर है पचीस एंड यहाँ है आपंकर कौन अमाउंट ये प्रिंसिपल बट सी आई एम को दरकार सी आई बाय प्रिंसिपल इक्वल टू एंड आम ये कौन करवा अमाउंट रू जी प्रिंसिपल काटे सी आई मिले छतीस पचीस कल के एगार बै पचीस बुझे तेणु एगार रेसीो से आठशह अशी टाँह एट्टी रेसीो हूँ ना तो पचीस टाँग दुई मैंने टोटाल दुई हजार टाँचा अच्छा दुई हजार टाँचा प्रिंसिपल पर गले से कही कि डबल द आर्टी परसेंटेज बाहर कर दिखाँ आर्टी परसेंटेज कौन सिंपल इंटरेस्ट पाई कि तेणु डबल द टाइम कही मैंने टू इयर थी मैंने फोर परसेंट आर है टाइम है के फोर इयर पर एंड ट्वेंटी परसेंट थी हाफ अफ द रेड परसेंटेज कही मैंने दस परसेंट कही बुझिपारे तमें फोर्टी परसेंटेज रोटा कि एस आई दरकार तेणु टू हंड्रेड रोर्टी परसेंटेज मैंने के एटी हंड्रेड हंड्रेड कैनसल आउट ये आठशह टाँचा तेणु ये हम आप आठशह टाँचा रईट आनसर तो ये थी टोटाल आप जो मैथ्र सल्यूशन जोटा आप बुझी नपारे थे भिडियो को पोज करूँ पोज करके देखते जो आपको निहाती बुझा पड़ जा एंड जदि आप किसी डाउट रोचे आपको मेसेज कर पारती मेसेज पर आप व्हाट्सअप नंबर को चूज कर पारती ओके सो व्हाट्सअप नंबर है डबल नाइन थ्री एट सेवेन टू डबल सेवेन फोर सिक्स तो यही नंबर आप व्हाट्सअप कर पारती विथ योर डिटेल्स आपत भाव किसी हेल्प चाहते तेल आपरे डायरेक्टली व्हाट्सअप कर पारती ओके सो जदि आप भी आम चैनल सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनी एंड जो प्रीमियम जी सेट जदि परचेस करना तेज़े परचेस करनी जोटा कि आपको काफी हेल्पफुल हम एंड बहुत सारा जिनस लर्न करें ओके सो थैंक्स फर वाचिंग।